हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास सिक्स में आपका चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, फाइबर्स टू फैब्रिक, यानी कि तंतुओं से वस्त्र की ओर। तो वस्त्र का इतिहास आप सभी ने जान लिया, किस तरह से हमें जो है वस्त्र पहनने को मिलते हैं, उनके सोर्सेज क्या हैं, कौन कौन से वस्त्र हैं जो हमें प्राकृतिक तंतुओं से मिलते हैं, कौन कौन से वस्त्र हैं जो हमें केमिकल रूप से सिंथेसाइज किए जाते हैं या कृत्रिम तरीके से बनाए जाते हैं, जिन्हें हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। जैसे कि कॉटन है आपका, जिसको हम सूती कपड़ा कहते हैं, और आपका सिल्क है, ये भी सिल्क का कपड़ा। आपका वूल, जिसको कहते हैं प्योर वूल, है ना, ऊन जो है, ये सभी आपके प्राकृतिक तंतु हैं। और आजकल जो बहुत सॉफ्ट कपड़ा एक आता है, टेक्सचर उसका बहुत सॉफ्ट होता है, रेयॉन, वो लगता है कि प्राकृतिक है लेकिन वो पूर्ण रूप से सिंथेटिक फाइबर है, यानी कि कृत्रिम तंतुओं से बनाया गया कपड़ा है। नायलॉन और पॉलिएस्टर भी सिंथेटिक फाइबर्स की कैटेगरी में ही आते हैं। इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट में आप सभी ने जाना कि किस तरह से कपास के पेड़ों से रुई मिलती है, और रुई से रुई वाले धागा बनाया जाता है, और धागे से आपका फिर उस तरह से वस्त्र बनाए जाते हैं, हैंडलूम का इस्तेमाल करते या पावर लूम का इस्तेमाल करके। सिल्क कैसे निकालते हैं उसके बारे में भी मैंने आपको बताया। ऊन किस तरह से बनता है उसके बारे में भी मैंने आपको बताया। किस तरह से जूट प्लांट से, उसके स्टेम से फाइबर निकलता है, जिससे जूट से अलग अलग तरीके के बैग्स और बहुत सारे सामान बनते हैं, उसके बारे में आपने चर्चा करी। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम इस चैप्टर से रिलेटेड करेंगे। साइंस क्लास सिक्स, चैप्टर नंबर 3 है, फाइबर टू फैब्रिक। इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं जिनके बारे में मैं आपको आज बताना चाहूंगी। महत्वपूर्ण शब्द, तंतु क्या होता है, सूती, जूट, रेशमी, तथा उन्हीं कपड़ों के धागे को तंतु कहते हैं। इसको सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करेंगे। अगला महत्वपूर्ण शब्द हम लिखेंगे, वस्त्र किसे कहते हैं, तागा किसे कहते हैं, अलग अलग शब्द हम आज नोट कर लेंगे। इसको सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करेंगे, तंतु किसे कहते हैं, सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी कपड़ों के धागे को तंतु कहते हैं। दूसरा लिखते हैं बच्चों, वस्त्र किसे कहते हैं, जिस वस्तु से कपड़े बनते हैं
उन्हें वस्त्र कहते हैं। को भी सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करेंगे। धागा किसे कहते हैं? वस्त्र को जिन तंतुओं से बनाया जाता है उन्हें धागा कहते हैं। सभी बच्चे नोट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। रुई, बुनाई, बंधाई और कताई किसे कहते हैं? वो भी हम रुई लिखेंगे। पादपों से प्राप्त होने वाले तंतु को पादपों से प्राप्त होने वाले तंतु को रुई कहते हैं, और जिसमें कपास से प्राप्त होने वाले तंतु को हम क्या कहते हैं? रुई कहते हैं। ये सभी बच्चे नोट करेंगे। बुनाई, तागों की जिस विधि से वस्त्र बनता है, तागों की लिखेंगे, जिस विधि से तागों से वस्त्र बनता है, जिस विधि से तागों से वस्त्र बनता है उसे बुनाई कहते हैं।
इसको भी सभी बच्चे लिखेंगे अपनी कॉपी में। उसके बाद बंधाई किसे कहते हैं और कटाई किसे कहते हैं वो भी आपको लिखना है। जिस विधि से धागों की बुनाई करने के बाद बांधा जाता है उसे बंधाई कहते हैं। इसको भी नोट करेंगे सभी बच्चे। जिस विधि से तागों की बुनाई करने के बाद बांधा जाता है उसे हम बंधाई कहते हैं। लिखेंगे कताई। तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। को भी सभी बच्चे नोट करेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे बच्चों, निम्नलिखित कथन सत्य हैं या आ सकते। पहला, वस्त्र धागों से बनते हैं जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है। तंतुओं से बनाया जाता है। पॉइंट नंबर टू है, रेशम एक पादप तंतु है। ऊन एक जांतव तंतु है।
वस्त्र तागों से बनते हैं जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है। ये कथन सत्य है या असत्य है, पहले खुद सोचेंगे और उसके बाद फिर लिखेंगे। वस्त्र तागों से बनते हैं जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है, तो ये कथन आपका बच्चों सत्य है। वस्त्र जो है वो तागों से बनते हैं और इन्हें तंतुओं से ही बनाया जाता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका सत्य, और इस पे सही का निशान लगाएंगे। दूसरा है, रेशम एक पादप तंतु है। मतलब पूछ रहा है कि रेशम जो है वो प्लांट फाइबर है ना। तो ये आपको सोच के बताना है कि रेशम एक पादप तंतु है ना। जब रेशम के बारे में हम बात कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि रेशम जो है वो रेशम कीट से आपको मिलता है। रेशम कीट के लार्वा, कुकून जो होता है जिसके अंदर लार्वा होता है रेशम कीट का, तो उस कुकून के ऊपर गोल गोल बहुत सारा रेशम का धागा लिपटा हुआ रहता है। तो रेशम जो है किसके कारण मिलता है, रेशम कीट के कारण मिलता है। तो रेशम कीट जो है वो एक जंतु है, तो रेशम एक जांतव तंतु हो गया। रेशम एक पादप तंतु है, ये आपका कथन है असत्य यानी कि रॉन्ग। तीसरा है, ऊन एक जांतव तंतु है ना। आप सभी को पता है कि ऊन जो है जानवरों के बालों से बनता है ना। जैसे भेड़ के बाल से, खरगोश के बाल से, लैम वूल अलग होता है, रैबिट वूल अलग होता है, कैमल के बालों से भी ऊन बनता है, तो एक अलग है ना। तो ये जंतु से बनने वाला तंतु है जिससे ऊन बनता है, तो इसलिए ये एक जांतव तंतु है और ये आपका कथन है एकदम सत्य। ये सभी बच्चे नोट करेंगे, लिखेंगे तंतुओं से बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। पांचवा लिखेंगे, जूट पटसन के फलों से प्राप्त होता। और लिखेंगे, नायलॉन एक संश्लिष्ट यानी कि सिंथेटिक तंतु है। इन तीनों में सही क्या है, गलत क्या है, उसको आपको सोचना है और उसके सत्य और असत्य कथन लिखना है, सही और गलत का निशान लगाना है। तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं, क्या ये सही है या ये गलत है, सोचेंगे और लिखेंगे। आई थिंक जो 4 नंबर वाला पॉइंट है वो सत्य है ना। मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं, तो ये है आपका सत्य कथन। आप सत्य लिखेंगे और सही का निशान भी लगाएंगे। पांचवा नंबर है, जूट पटसन के फलों से प्राप्त होता है। पटसन का पेड़ होता है, उसके फलों से क्या जूट प्राप्त होता है, तो ये है बच्चों 100% रॉन्ग यानी कि असत्य। मैंने आपको पढ़ाया था कि पटसन जो है, पटसन का जो पेड़ होता है, जब उसमें फ्लावरिंग स्टेज आती है, जब फूल आने शुरू होते हैं, उस टाइम पे उसको काट करके पानी में भिगा दिया जाता है और पटसन के तनों से जूट का फाइबर जो है वो मिलता है, पटसन के तनों से। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फलों से, तो इसका मतलब ये हो गया असत्य, ये हो गया गलत। और लास्ट है, नायलॉन एक संश्लिष्ट तंतु है। नायलॉन जो क्या है, जो एक सिंथेटिक फाइबर है, प्राकृतिक रूप से हमें नहीं मिलता, तो ये क्या है, ये भी
ये है सेंटेंस सत्य, यानी ट्रू है ये। दो सेंटेंसेस के बारे में और हम बात करेंगे। बुनाई में दो धागों का बल्कि बधाई में एकल धागे का प्रयोग होता है। बुनाई जिसे आप वीविंग कहते हैं और बधाई जिसे आप निटिंग कहते हैं, तो बुनाई में दो धागों का बल्कि बधाई में एक धागे का प्रयोग होता है। ये सही है कि गलत है, इसको आपको सोच के लिखना है। और लास्ट है कपास काली मिट्टी की फसल है। कपास काली मिट्टी की फसल है। अब इसमें से सेवेंथ जो है वो सही है कि गलत है, और एट नंबर गलत है या सही है आपको सोचना है और लिखना है। सातवा नंबर है कि बुनाई में दो धागों का बल्कि बंधाई में एक धागे का प्रयोग होता है, तो ये सेंटेंस एकदम है सत्य। और लास्ट है कपास काली मिट्टी की फसल है, ये आपका ये भी सेंटेंस जो है वो सत्य है। कपास के लिए काली मिट्टी चाहिए होती है और गर्म वातावरण चाहिए होता है कपास की खेती के लिए। तो ये सभी दोनों ये दोनों सेंटेंसेस भी सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करेंगे। एक प्रश्न और लिखेंगे बच्चों। जूट इस पौधे से प्राप्त होती है भारत में, इसकी खेती किस ऋतु में और कहाँ होती है? इसकी खेती किस ऋतु में और कहाँ होती है? सभी बच्चे प्रश्न को अपनी कॉपी में उतारेंगे, उसके बाद फिर हम उत्तर भी लिखेंगे। पटसन तंतु को पटसन के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में होती है।
और कहाँ पर होती है? पश्चिम बंगाल, बिहार और आसाम में। बच्चों आज की क्लास में चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन आंसर किए आप सभी ने, सही गलत सत्य और असत्य कथन जाने और कुछ महत्वपूर्ण शब्द भी सीखे। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।